हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग इल्मा। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी जो मैंने कल अनबॉक्सिंग की थी, सारे प्रोडक्ट की उन सबका मैं रिव्यू आपके साथ में शेयर करूंगी कि मैंने कैसे प्रोडक्ट मंगवाए हैं और मुझे वो किस तरीके से रिसीव हुए हैं, कि अच्छे रिसीव हुए हैं या बुरे रिसीव हुए हैं, ये मैं आपको आज उसका रिव्यू दूंगी। मैंने आपको बोला था कि मैं उसका रिव्यू ज़रूर दूंगी, तो वो टाइम वो घड़ी आ चुकी है और आपको बिल्कुल भी इंतज़ार ना करवाते हुए स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो को। तो ये रहा हमारा बॉक्स जो मैंने कल आपको इसकी अनबॉक्सिंग शेयर की थी और आज मैं इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं गुड वाइब्स का विटामिन सी सीरम का रिव्यू दूंगी आपको। ये जो है ना पैराबेन और सिलिकॉन फ्री है और ये मुझे कॉस्ट इसका पड़ा था 285 का। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो विटामिन सी का सीरम मैंने मंगवाया था, क्योंकि मेरे ब्लैक थोड़े से, मतलब जो पिंपल निकलते हैं ना उसके निशान रह जाते हैं ना, उसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। वो लगाने से ना पिंपल के जो निशान होते हैं ना वो सही हो जाते हैं। एक बॉटल जो है ना मैं इसकी पहले यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया था। अभी कुछ दिनों से ये मेरे पास नहीं था तो मैंने इसको ऑर्डर किया। इस टाइप का ये मुझे बॉटल रिसीव हुई है, बहुत ही अच्छी गुड कंडीशन में मुझे रिसीव हुई है। देखिए ये ऐसे करके और इसको ऐसे करके अपने फेस पे अप्लाई करना। इसको ना ऐसे मसाज करते रहना है फेस की, बहुत ही जल्दी ये एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको पता लग जाएगा थोड़े टाइम में। बहुत सारे जो है ना सीरम होते हैं ना वो एकदम ऑयली होते हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, एकदम स्किन के अंदर चला गया, बिल्कुल भी आपको ऑयली नहीं लगेगा। इसको आप दिन में लगा सकते हैं और रात में भी लगा सकते हैं, दोनों टाइम लगा फेस वॉश करना है और उसके बाद में इसको अप्लाई कर लेना है और सो जाना है रात में। तो सेकेंड है हमारा, ये मैंने मंगवाया था गुड वाइब्स का एंटी ब्लैमिश ग्लो टोनर, विटामिन सी का है। विटामिन सी हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैंने ये गुड वाइब्स का टोनर मंगवाया है। इसको भी ये स्प्रे करने की बोतल है, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास एक और बोतल है तो मैं उससे आपको बताती हूँ कि कैसे इसको यूज़ करना है। इसको मैं अभी खोलना नहीं चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरी चल रही है अभी, थोड़ी सी बच्ची है अभी तो इसलिए मैं अभी इसको ओपन नहीं करूँगी। तो ये देखिए सेम ही है, एकदम सेम एंटी ब्लेमिश ग्लो है इस बार, और ये ग्लो टोनर है और ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन है ये विटामिन सी का। तो इसको ना ये ऐसे प्रेस करने के लिए, देखिए बहुत अच्छा रहता है। मुझे ना ऐसा वाला टोनर ज़्यादा अच्छा लगता है ये, क्योंकि देखिए इसको ऐसे इतना दूर लेके गए और फिर इसको इस पर स्प्रे करना है, बस और कुछ नहीं करना है। जो कॉस्ट है ना वो 249 है और ये बोतल जो है ना कम से कम आपकी 1 मंथ से ज़्यादा चल सकती है। मतलब इसको जब जब मुझे लगता है कि मेरे फेस पर हाइड्रेशन ख़त्म हो गया है तो मैं इसको जो है ना फेस पर स्प्रे कर लेती हूँ। और फेस वॉश करने के बाद में, तो आपको जब फेस ड्राई हो जाए उसके बाद में आपको ये ज़रूर से जो है ना अपने फेस पर स्प्रे करना है, उसके बाद में आपको ये सीरम लगाना है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि कैसे ये लगाना, थोड़ी देर के बाद में ये ना ये भी एकदम ड्राई हो जाएगा। बस थोड़ा थोड़ा सा इसको अपने फिंगर से ना प्रेस करना है इसे, तो हमारा टोनर भी हो गया, सीरम भी हो गया। उसके बाद में आते हैं जो मैंने बहुत दिल पे पत्थर रख के मंगवाई थी, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, दिल पे पत्थर रख के ही मंगवाई थी मैंने, अब देखा ना, ये है लोरियाल इनफेलिबल का 32 आवर्स फ्रेश वियर फाउंडेशन विटामिन सी। तो ये मुझे इसका कॉस्ट जो पड़ा है ना 1249 का पड़ा है और इसका शेड है 140 बीच डोर गोल्डन बीच। ठीक है, तो ये जो है ना, मतलब मैंने भी अप्लाई नहीं करा, मैं अभी अप्लाई करके देखूंगी कि ये मेरी स्किन टाइप का है या नहीं है। और
मैंने बहुत सारी तारीफ़ सुनी है। मैंने इसको लेने से पहले ना मैंने YouTube पर भी बहुत ज़्यादा देखा था, बहुत सर्च करा था इसके बारे में, तो जहाँ भी देखी थी ना तो उसका पॉजिटिव रिव्यू ही दिख रहा था मुझे, तो मैंने सोचा चलो इसको ही परचेस करते हैं। इसको ना मैंने इसलिए भी ख़रीदा है क्योंकि ये ना डिस्काउंट में चल रहा था, 800 समथिंग कुछ पड़ा है, तो देखते इसका ये पंप रहता है ना, इसको देखिए बहुत रनी होता है, ये बहुत ज़्यादा रनी। बहुत रनी है देखिए। अब मैं इसको अपने फेस पर अब इसको मैं ब्लेंड करूंगी। पता है सब ऐसा बोल रहे थे ना कि ये जो फाउंडेशन है ना ये बहुत ज़्यादा मैट है, और मतलब के और बोल रहे थे कि ये जो फाउंडेशन है ना ये आपकी स्किन को ना मतलब बहुत अच्छा फिनिश देता है, और ये ना मतलब हाई टू मीडियम कवरेज है। अब देखते हैं कि हाई टू मीडियम कवरेज देता है या नहीं देता है। मुझे तो सही लग रहा है ये फाउंडेशन, इसको पूरे में ब्लेंड करके तब पता चलेगा। कैसा बताऊँ आपको, मतलब स्किन स्किन में तो मिल रहा है, मेरी स्किन में तो मिल गया है, लेकिन अगर हाई कवरेज बोलोगे तो हाई कवरेज नहीं है ये फाउंडेशन, क्योंकि 32 आवर्स का इसने प्रॉमिस किया है, क्योंकि लिखा हुआ है ना 32 आवर्स, वो तो बाद में पता चलेगा ना मुझे। तो इसको रख देती हूँ मैं, क्योंकि कांच की बोतल है ना, पता है मेरी मामा अर्थ की बोतल ना टूट गई थी गिर के। तो नेक्स्ट ये मुझे मिला है फ्री में, मैंने आपको बताया था आई लव है ये लिक्विड आई शेडो NYBA का, तो इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, फ्री में मिला है, इसको अप्लाई करती हूँ मैं। अच्छा है, तो बारिश की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी तो इसलिए मैंने ओवरवाइज की है। ये जो है ना ये आई शेडो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लिक्विड आई शेडो है, फ्री में मुझे मिला था क्योंकि मैंने बहुत सारा सामान लिया था, ये मुझे फ्री मिला था, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। देखिए मैं बता भी रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये, बहुत मुझे अच्छा लगा, और एकदम लाइट कलर है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद में मैंने ये पर्पल की लिपस्टिक जो मुझे फ्री में मिली थी इसको मैं आपको लगा कर दिखा दूँ, बहुत ही अच्छा कलर है, मैरून कलर है ये, मैरून कलर जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर लगता है मुझे। तो इसका जो लिक्विड फॉर्म में थी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, एकदम मैट फिनिश आ रहा था इसका, बहुत ही अच्छी थी, मतलब कि हैवी फील भी नहीं हो रहा था लिप्स के ऊपर कि हैवी फील हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर था, एकदम मैरून कलर थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर है इसका, तो आप इसको ज़रूर परचेस करना। सबका लिंक मैं ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको परचेस कर लें। पर्पल से सारे प्रोडक्ट मैंने लिए हैं, सारे प्रोडक्ट मैंने पर्पल से ऑर्डर किए थे और ये मुझे फ्री में मिले हैं, तो उसमें ऑफ़र चलता रहता है पर्पल में, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो इसको। ये बहुत ज़्यादा अच्छी लिपस्टिक लगी और सूट भी कर रही है मेरे ऊपर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर है इसका,
देख लीजिए आप, एकदम लगाने से ना एकदम पता चल रहा है कितनी स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद में ना मैं दूसरी आपको लिपस्टिक दिखा दूँ। ये लिपस्टिक इनसाइड की है, शेड नंबर 02 है, बहुत ही अच्छा कलर है, पिंक कलर का है, जो एकदम डार्क पिंक कलर होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर है। मैट लिपस्टिक है ये, जो मैट लिपस्टिक होती है ना ऐसे ही बस लगा लो, लिक्विड वाली नहीं होती है ये, मैट लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। तो ये देखिए इतनी बड़ी सी आती है और 200 कुछ की है ये, मुझे एग्जैक्ट पूरा नहीं पता है। आपको मैं इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ना, आप वहाँ से जाके इसको परचेस कर लेना, वहाँ पे आप इसका प्राइस देख लेना। 200 समथिंग की है ये। तो इसका कलर ही बहुत ज़्यादा अच्छा है, पिंक कलर है, एकदम खिला हुआ जो पिंक कलर होता है ना वो है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर है। तो सेकंड भी मैंने इनसाइड की मंगवाई थी, इसका शेड नंबर 03 है, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसका प्राइस भी सेम है। और ये देखिए 03 है, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और ये ना थोड़ी सी मतलब इसमें मिस्टेक थी, क्या मिस्टेक थी आप खुद देख लेना, अभी मैं इसको खोलूँगी ना तब पता चल जाएगा आपको। देखिए अभी मैं इसको खोलने जा रही हूँ, 1 2 3 ये हुआ था मेरे साथ में, एकदम से नीचे गिर गई थी। कलर अच्छा है तो मैंने इसको रिटर्न नहीं किया। तो ये एकदम रेड जो होता है ना, रेड एकदम डार्क रेड एकदम खिला हुआ वो कलर है। मैं आपको ना इसका शॉर्ट्स में रिव्यू दूंगी, जब मैं आपको लगा के दिखाऊंगी, आप मेरी शॉर्ट्स भी ज़रूर देखा करो, मैं बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट्स डालती हूँ, तो आप वहाँ पर रिव्यू देख लेना। वैसे आपको मैं हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ। और ये मुझे पर्पल का मिनी 24K का प्राइमर मिला था, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी फ्री है। देखिए मुझे क्या क्या फ्री मिला है, ये फ्री मिला है और लिपस्टिक फ्री मिली है और ये आई शेडो मिला है मुझे फ्री में, लिक्विड आई शेडो है। और मुझे एक चीज़ और फ्री मिली, आपको दिखाती हूँ, वो है मैं ढूंढ रही हूँ, देख लो अभी आएगा, डे क्रीम, गुड वाइब्स की डे क्रीम मिली है मुझे फ्री में। ये चार चीज़ें मुझे फ्री में मिली हैं। गाइस अभी बारिश हो रही है और मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि आपके पास आवाज़ नहीं आएगी, इसलिए ये सारे प्रोडक्ट का मैंने रिव्यू आपको दे दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मेरी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स में और अपनी फैमिली ग्रुप में और बहुत सारे लोगों में। और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको ज़रूर मिल सके। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और आपको आवाज़ अगर आ रही हो मेरी, मुझे पता नहीं क्योंकि मैं अभी माइक लगाई हूँ, अगर आपको आवाज़ नहीं दी, थोड़ी बहुत भी इरीटेट कर रही हूँ क्योंकि बारिश हो रही है ना इस वजह से, तो सॉरी क्योंकि बारिश हो रही है और बैकग्राउंड को इग्नोर करना, मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना तो सब कपड़े भी यहीं पर सूख रहे हैं। तो फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना।